फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपसे अप्रोक्सीमेशन की जो वीडियो आई थी उसमें प्रॉमिस किया था कि मैं नॉन परफेक्ट क्यूब रूट की आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं आपको एक शानदार वाली ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप 5 सेकंड में ही जितना परफेक्ट क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं उससे कई जल्दी आप नॉन परफेक्ट क्यूब रूट को सॉल्व कर पाएंगे। वही ट्रिक लेके मैं आपके सामने ये सेशन स्टार्ट करूंगा और आपको बस यही काम करना है कि पूरी वीडियो पे फोकस रखना है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ अच्छे से। तो बिल्कुल फोकस रखना पूरी वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक की वीडियो भी मैं आपको डालता रहूंगा, एग्जाम ओरिएंटेशन वीडियो भी मैं आपको डालता रहूंगा। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि कैसे अप्रोक्सीमेशन में उसका यूज होता है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिएगा, चलिए। ओके दोस्तों, अब ये हमारे पास क्वेश्चंस है। ये SBI लेवल, IBPS, PO लेवल, हर मतलब जो अच्छा लेवल होता है उस लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें बस एक नॉन परफेक्ट क्यूब रूट आपके सामने आ चुका है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। यहां मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस बच्चों का ये होता है कि पता कैसे चलेगा कि नॉन परफेक्ट है या परफेक्ट है। दोस्तों साफ साफ तौर पे बता दिया जाता है कि वहां पे ये लिखा रहता है कि ये जो 5 क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं ये सिंपलीफिकेशन के हैं या फिर अप्रोक्सीमेशन के हैं। अगर वहां लिखा हुआ है कि ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है तो आपको यही समझना है कि ये नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करना ही हमारा मोटिव है इस वीडियो का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजीली, देखिए मैं आपको बस एक ही टिप्स बताऊंगा, बस आप इस वीडियो पे फोकस रखना और इस चीज को जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं बस इस चीज को समझ लेना। कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड में। बस आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली होगा। आपको पता है कि 3-3 के पेयर बनाते हैं, है ना? यही तो करते हैं। तो आपको भी पहले स्टेप में क्या करना है, पेयर बना लीजिए पहले, ना 3-3 के पेयर बना लीजिए। 3-3 के पेयर बन गए तो अगर 3 से स्टार्ट करते हैं पीछे से, ठीक है? 3 का पेयर बना दिया, अगर यहाँ पे 5, अभी तो 6 डिजिट का है, अगर 5 डिजिट का होता 1 2 3 4 5 ही होता मान के चलिए, ठीक है? तो 3 का पेयर पीछे से बनाते और आगे 2 का पेयर बनता लेकिन 0 लगा देते तो 12 ही कहलाता वो। तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि 3-3 का पेयर पीछे से बनता है, ये चीज समझ में आई? अब आगे चाहे कितनी भी बड़ी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 9 डिजिट का आप आसानी से जानते हैं, 6 डिजिट का बहुत कॉमन है कि अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो चलते हैं, देखिए पहले में मैंने 3-3 डिजिट का पेयर बना दिया क्योंकि मेरे पास 6 डिजिट का नंबर है और आसानी से मेरा पेयर बन गए। पहले 3 लिया, अगर 3 हो रहा है तो 3 बनाएंगे, नहीं तो 0 लगा देंगे। मौके पे आते हैं, लास्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, सबसे खुशी की बात यह है, ठीक है? इस डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब किससे रखना है, 250 से। तो 250 मैंने यहां पे लिख दिया। अब आपको बस ये मैं लिखने के लिए बता रहा हूं, स्टेप सेकंड ये बस लिखना है, ये माइंड कैलकुलेशन है सारी। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे ऑरली ये भी बताऊंगा, ठीक है ना? पहले आप समझ लीजिए, है ना? जहां से आपको एक चीज सी समझ में आ जाएगी अगला क्वेश्चन आप ऑरली कर पाएंगे, ठीक है? 250 है, ये किसके बीच में है आपको पता है, क्यूब 6 के क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 के बीच में है, तो बस ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये तो आपको पता ही है कि जब भी हम क्यूब रूट निकालें या फिर स्क्वायर रूट निकालें पीछे वाला ही प्रधान होता है, पीछे वाला ही मतलब अपना डोमिनेट करता है। तो डोमिनेट क्या करेगा, 6 करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है पहली डिजिट तो 6 आ गई है, इसका निकालना है क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट है, पता है, सीधी सी बात है नॉन परफेक्ट है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो 6 तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये दूसरा डिजिट क्या आएगा, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ये दूसरा डिजिट क्या आएगा और कैसे निकालेंगे, बहुत आसान कंसेप्ट बताने वाला हूं, देखिएगा। अब आपको पता है 216 है यहां पे और 343 है, अभी 6 खड़ा है यहां पे, ठीक है? यहां पे 6 अपने पास आ चुका है, 343 में से आपको यही स्टेप फॉलो करना है, 343 में से फटाफट से 216 माइनस कर दीजिए आप, कितना आया, 13 में से 6 गए तो 7 आया, यहां पे 3 बचा, 2 127 आपके पास आ गया, यही आ गया कि 127 आपके पास आ गया जो कि माइनस करने पर आ गया। अब आपको बस कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये छोटा सा दिमाग लगाना है कि बस 12,700 ये कितना है, 2,50,050 है ना, 2,50,050 है, तो ऑब्वियस ही बात है जो ये 12,700 है ना, मतलब इसको 12,700 ही माने। क्यों माने मैं आपको बताता हूं,
देखिए ये तो बढ़ नहीं सकता, अगर मैं इसमें 127 जोड़ूंगा तो 3 का डिजिट आ जाएगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा। हमें मार्जिन कहाँ से पैदा होगा, यहाँ से 250 से तो हो रहा है, तो आपको कहाँ से जोड़ना है, बस इतना सा काम करना है कि जो ये 127 बस बताने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना है, 12,700 है, लेकिन हम जीरो तो लेके चल ही नहीं रहे। अगर जीरो लेके चलते तो यहाँ भी मैं आपके सामने 60 का लगाता तो 3 जीरो लगाता, और यहाँ भी आपके सामने 3 जीरो लगाता और डिफरेंस लेता तो कितना आता, 127,000 आता। तो हम जीरो लेके नहीं चल रहे, आपका काम आसान करने के लिए स्टेप रिड्यूस कर दिया मैंने, यहां से जीरो हटा ही दिया है पूरा का पूरा। अब आपको बस इतना सा मार्जिन पहचानना है कि 60 से 70 के बीच में तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता है 250 कहां लाइक कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है, यही आंसर आने वाले हैं। अब आप कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता देता हूं, बस कि देखिए 12,700 का मार्जिन चलने वाला है 60 से लेके, यहां अगर 60 होता और अब हर स्टेप में आपको 12,400 ही 700 ही फॉलो करना है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 13 लिख सकते हो ना, इसको 13,000 हर मार्जिन में बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मार्जिन कितना है, आप इसको 250 मान के चले हैं, तो 250 में से आपको क्या घटाना है मैं आपको बताऊंगा। 250 में से बस आप 216 घटा दीजिए, जो आप 6 लेते हैं ना उसका 216 घटा दीजिए बस, तो आपके पास कितना आ गया दोस्तों, 34 आ गया, 34 निकल के आ गया। स्टेप आप समझ लें, दोबारा मैं आपको समझाऊंगा कि पहले हमारे पास क्या है, 250 है, तो 250 में से मैंने 216 घटा दिया तो कितना आया, 34 आया, और मार्जिन कितना है, 12,700 लेना है, 34 तक कैसे फॉलो होगा। अब आप सोचिए 13, 39, समझ रहे हैं ना आप, कॉमन सेंस देखिए, 13 का मैं अगर 3 बार लेता हूं तो 39 आता है, लेकिन मुझे 34 जाना है, लेकिन हमने 12.7 को 13 माना है, तो वहां भी तो हमें कम करना पड़ेगा, तो 34 के करीब ही आ जाएगा, तो बस आपको यहां 3 करना है, बस 3 आ जाएगा, तो 63 आपका इसका आंसर आ गया। देखिए ये 63 आपका इसका आंसर आ गया, इतनी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अब ये समझ में नहीं आया होगा, सेकंड क्वेश्चन ओरली करेंगे तो इतना सब कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं मेरी बात। मार्जिन कैसे पैदा हुआ ये समझ लीजिए बस आप, मार्जिन ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, इन दोनों का माइनस करना है, माइनस किया 12,700 आया। अब ये देखना है 250 जो हमारे पास पहला नंबर होगा, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है अभी, इसमें से आपको ये पहले वाला जो है हमारे पास क्यूब किसके मतलब किसके अंदर आ रहा है, पहला डिजिट क्या है, 6, तो 6 का क्यूब घटाया 34, तो आपको पता लग रहा है 34,000 बनाना है 12,700 से। मेरा कहने का मतलब ये है कि 12.7 है ये, ठीक है, आपको 34 बनाना है, तो लगभग आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैंने 13 मान लिया क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, आप मान सकते हैं बिल्कुल, इसको मैंने 13 मान लिया, 13 का मैंने 3 से किया तो 39 होता है, लेकिन हमें चाहिए 34, तो क्यों, हमने जब 12.7 को 13 माना है तो ऑब्वियसली बात है कम मानते तो कम आता, 34 के आसपास आता, तो 63 आपका अप्रोक्सीमेशन आंसर आ जाएगा इसका। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ओरली करने वाले हैं, तो इसका निकल के क्या आया, 63, तो इसलिए हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आसान नहीं होता है कि एग्जाम में प्रिडिक्ट कर पाना कि ये कहां लाई करेगा, समझ रहे हैं, तो ये कंसेप्ट है इसका, 63 आपका आंसर आ गया, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट मैंने आपको निकालना सिखाया है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ओरली करेंगे, ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अपना आंसर आसानी से लगा सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, बस 358 लिख दें यहाँ पे और प्लस 515 लिख दें, आंसर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करना है बस आपको, ठीक है दोस्तों, ये आपका ओवरव्यू था कि 63 कैसे आया आपका आंसर, है ना, तो 63 आपका इस तरीके से निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा वो आप ओरली करने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है और उससे क्लियर हो जाएगा आपको, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। ओके दोस्तों, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में भी वही चीज आ गई कि नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा और लिखा भी होता है एग्जाम में, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये बता रहा हूं, ओरली करने वाले हैं, पहले बोला था उसको एक्सप्लेन किया, इसको भी मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, लेकिन ओरली करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। देखिए सीधी सी बात है, इससे तो हमें कोई मतलब रखना ही नहीं है अभी तक, ठीक है, ये ले लिया, ये आपको कहां लाई कर रहा है, आपको बस ये डायरेक्ट पता लगाना है कहां लाई कर रहा है, 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो पहला डिजिट क्या आ गया, 9 आ गया, सीधी सी बात है, 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, और 9 और 10 के बीच में गैप कितना होता है, 1,000 और 729, यही तो गैप है अपने पास, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 1, 9 में 7, और ये आ जाएगा 271, तो ये 271 इसका डिफरेंस आ गया, जो हम पहले निकाल रहे थे उसी तरीके से मैंने डिफरेंस निकाल लिया यहाँ पे। अब ये मार्जिन हमें पूरा करना है, आपको बस यही चीजें समझनी है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 271 आपका डिफरेंस आ गया, हम निकालते हैं कि ये 9 से 10 के बीच में लाइक करेगा, तो वो डिफरेंस निकाल लेते कि कितना मार्जिन बढ़ रहा है एक क्वांटिटी पे, यही तो बात है, एक क्वांटिटी पे कितना मार्जिन बढ़ रहा है और हमें कहां पहुंचना है, 79 पे, यही तो बात है बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कुछ तरीका नहीं है। आपको पता है कि 9 आ गया तो 9 का तो हम जानते हैं 7,95,000 है, तो 7,29,000 पे तो अपन खड़े हैं यहाँ पे इसका क्यूब लेने पर,
सही बात है, 90 का क्यूब क्या होता है 7,29,000 कुछ, ठीक है ना। तो ये होगा, तो इस तरीके से 271 आपका आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, आपको मैंने जैसे कि बताया था थर्ड स्टेप कि हमें सेकंड डिजिट निकालना ही पड़ेगा, निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यही सबसे बड़ा टास्क है हमारे लिए। तो हमारे पास जो 729 आया था, कितना मार्जिन है 795, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें 795 पे तो पहुँचना है, हमें कहाँ खड़े हैं हम 729 पे खड़े हैं, कहाँ पहुँचना है 795 पे पहुँचना है। तो 795 में से 729 घटा दूंगा तो मुझे डिस्टेंस पता लग जाएगा, अपन उसको मतलब एक नॉर्मल वे में लेके चलते हैं कि मुझे 795 पे पहुँचना है और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ 729 पे, तो मुझे डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी ये सोच के चलिए आप डिस्टेंस की तरह। तो देखिए 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 6, और आपके पास ये 8 बचा और 66, तो आपको पता लग गया 66 मुझे चलना पड़ेगा अभी, मतलब 66,000, मतलब आपको पता है 7,00,000 में चल रहा है तो यहाँ से ही तो मार्जिन स्टार्ट होगा कि करीबन 66,000 मुझे चलना पड़ेगा पर स्टेप हमें 66,000 चलना पड़ेगा। आपको दोस्तों कहाँ पहुँचना है 66,000 पे पहुँचना है, मतलब 66 आपको कवर करना है कैसे भी करके, तो ये क्वांटिटी आपको कवर करनी है। ये कहाँ से हम मेजर लेंगे इसको कि 27.1 मतलब 27 के करीब, मतलब आपको पता है वो क्वांटिटी लेनी है आपको दो डिजिट जो इससे इजीली डिवाइड हो जाए, तो 66 और 27 पास पास लग रहे हैं ना आपको, सीधी सी बात है। अब 271 का तो डिवाइड होता ही नहीं इसमें, तो आपको ऐसे ही लेना है कि टू डिजिट लेनी है इस वाले डिफरेंस की, बस आपको इतना सा कॉमन सेंस लगाना है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं ना, बिल्कुल लेंगे। देखिए 27 आ गया, अब आपको पता है 27 × 54 होता है, ठीक है, और 27 × 81 होता है, तो अब ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 2 ही इसका आएगा, 92 ही आएगा, बहुत आसान हो गया क्योंकि 27 × 81 होता है, 81 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत अंतर आ जाएगा, हमें तो 66 पे ही रुकना है, तो 92 पॉइंट कुछ आएगा क्योंकि 657 हमने कंसीडर नहीं किया है, तो 92 ही हमें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो निकालनी है, तो 92 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, बस इतना सा काम करना था। अब क्या करना है इंटू 7 कर दीजिए, ठीक है, अब आपको ये देखना है डिवाइडेड बाई, तो ये पूरा का पूरा देखिए ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है बोर्ड मॉस रूल के अकॉर्डिंग, तो पूरा का पूरा यहाँ नीचे चला जाएगा 3.8 × 55, अब अप्रोक्स 5.5, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 कंसीडर कर सकते हैं, इसको 3.8 को 4 कंसीडर किया तो अब ये क्या हो गया 55 × 22, ठीक है, 55 × 110 × 22, तो 22 हो गया दोस्तों। ये सारी क्वांटिटी हमने 22 में कन्वर्ट कर दी, कैसे की 5.5 को मैंने 3.8 को मैंने 4 लिख दिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और मैंने इसको 5.5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया। अब आपके पास क्या रहेगा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं रहा है, बस आपको 22 से 92 डिवाइड करना है और इंटू 7 करना है। अब आपको पता है 22 से 92 नहीं जाता लेकिन 23 से जाता है 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स चला 23 × 92 होता है। तो अब मैं आपको एक और टिप्स बताने वाला हूँ, देखिए क्या यहाँ अगर आप 23 मानते हैं, यहाँ अगर आप 23 मानते हैं तो ये 4 से सीधा सीधा चला गया, ठीक है। अब आपको पता है जब कभी भी डिवाइड में हम नंबर को बढ़ा देते हैं तो वो नंबर की वैल्यू कम हो जाती है, भाई नीचे अगर किसी नंबर को बढ़ाएंगे तो नंबर की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास 22 था तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ये आंसर बढ़ाने पर आएगा, जो हमारे पास बढ़ाने पर आंसर आएगा वो एक्चुअल तो होगा नहीं, लेकिन हम नंबर कम था हमारा तो आंसर हमारा बढ़ा हुआ आएगा। तो अब 23 से 4 पर कटा तो 7 × 28 हमारे पास ये आया अनएक्चुअल आंसर, मतलब ये असली आंसर नहीं है, और असली आंसर क्या होना चाहिए था 22 लगाने पर, और नीचे जब हम नंबर 22 होता हमारा कम होता तो आंसर बढ़ जाता, तो 28 से बढ़ जाता आंसर, तो ऑप्शन देखिए 31 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, छोटा सा कॉमन सेंस है, आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। देखिए 22 को 23 माना डायरेक्ट काटा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जब हम नंबर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये संख्या पहले एक्चुअल वैल्यू से बढ़ जाएगी, 31 आपका आंसर आ जाएगा, बस यही तो देखना है आपको, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा जिससे आप कंफ्यूज हो सकें, 26 आ नहीं सकता, सही है ना। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने हैं क्वेश्चन। आई होप आपको नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये हमारे कवर करने के लिए होता है डिस्टेंस पर वैल्यू के लिए, और यहां हमें पहुंचना होता है डिफरेंस पे, हमें पहुंचना है और ये हमारा कवर करने के लिए होता है। तो सीधी सी बात है जो इन जब आप डिफरेंस निकालें तो इसका इसमें डिवाइड कर दें, डायरेक्टली आंसर आपके सामने होगा, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी 5 सेकंड 10 सेकंड की ट्रिक, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ये जो चीज है ना बहुत हार्ड है, अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं, मैं आपके लिए ट्रिक्स लेकर आया हूं, तो बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको समझिए, प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता के दूंगा वहीं हाथ के हाथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना दोस्तों, थैंक यू।